कि जब राजा कमल नयन अपनी बेटी उत्तरात कुमारी की शादी अर्जुन से करने के लिए कहते हैं, तो अर्जुन साफ मना कर देता है कि राजा मैं आपकी बेटी उत्तरा कुमारी के संग विवाह नहीं कर सकता। अगर आपको मेरे घर में मेरे खानदान में रिश्ता ही जोड़ना है तो मेरा बेटा अभिमन्यु शादी के योग्य हो चुका है, आप मेरे बेटे से अपनी बेटी की शादी कर सकते हैं। सजनों, राजा कमल नयन बात समझता है, कहता है ठीक है अर्जुन, जो तूने कह दिया मान लिया, पर तू एक बार अपनी रानी द्रौपदी से पूछ के आ, किस विवाह से उसे को कोई आपत्ति नहीं है। उस रागिनी का भी स्थाई मैंने आपके सामने रखी, 200 रुपए से मान सम्मान किया, जब मैं बोला करूं तो मीठा मीठा रसीद थोड़ा मीठा मीठा बजाय करो, समझ में नहीं आना चाहिए दर्शकों को कि के सुना रहे यार के बोल रहे हैं। 100 रुपए से आदरणीय माँ गडोला से, 100 रुपए से ठेकेदार जी जी, उस दिन तो बड़े नोट दिए थे, तो 100 रुपए में काम को नीचा लें, ना ना गलत बात है, अपने गाँव में दूसरे के गांव में काचे काट जाओ माकड़ोला वालों। आई 100 रुपए से मान सम्मान सुनेगा नंबर पहली गली के माध्यम से न्यू कैन लगी रहे अर्जुन, तू वो दिन भूल गया जहां मेरा अपमान हुआ था, पर मैं नहीं भूली। इस घर में ना तो कोई विवाह शादी ना कोई खुशी मैं मनाऊंगी और ना बनने दूंगी जब तक उन कैरों के खून से मेरे केश नहीं बंधवा बन जाते। नंबर पहली कली के माध्यम से केक है। ऐसे भाई शाबाश। हिंदुस्तान में क्या नाम दिया गया है, किसके सम्मान
है, नंबर दो के माध्यम से के कहने लगी। क्या बात है?
मान किया, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। 50 रुपए से मान सम्मान किया, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। सजनों आदेश महाराज, मैंने आपके बीच में एक स्थाई और 3 कली रखी। अगर आपको रागनी समझ आ रही हो, रागनी के शब्द समझ में आ रहे हो, तो एक बार हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजा दीजिए। क्योंकि कहते हैं रागनी में शब्दों की ही प्रधानता होती है, शब्दों की ही चोट होती है, शब्दों की मार होती है, शब्द ही प्रधान होते हैं। वरना अन्यथा सब धूल में लठ लग रहा है, धूल में लठ लग रहा है आज के जमाने में। तो आखिरी बात में बड़ी सुंदर बात लिख दी गुरु मान सिंह जी ने, तोड़ की बात लिख दी। वो द्रौपदी क्रोधित होकर अर्जुन के सामने न्यू कहन लगी, के कहन लगी आखिरी बात में, सुन लो।